हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो रहेगा आपका मैथ, है ना, जिसके एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं 13.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सीखे थे, समझे थे कि कैसे किसी भी जो भी वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम होगी उससे हम लोग कैसे माध्य निकालेंगे, यानी कि मीन निकालेंगे, माध्यिका यानी मीडियन निकालेंगे और बहुलक यानी मोड निकालेंगे। सब लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर था। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्लास, बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में, इसीलिए सब लोग आखिर तक बने रहेंगे ताकि यहाँ पर जब भी आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, वो पूरा 100% आपका क्लियर हो सके और आप एग्जाम की पूरी पूरी तैयारी कर सकते हैं, है ना। आधा अधूरा में फिर दिक्कत होगा आपको, तो बने रहेंगे हमारे साथ, है ना। क्लास को लाइक भी कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, जो दोस्त आपके अब तक क्लास में उपस्थित नहीं हुए होंगे, है ना। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10 की पूरी तैयारी का क्लास आपको मिल जाएगा शाम के 6:30 बजे से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहता क्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इस तरह से कहा गया, नीचे दिए हुए बटन का माध्यिका यानी कि माध्यक मालूम है, वो है आपका 28.5। माध्यिका यहाँ पे मालूम है। फिर बोला गया अज्ञात जो आपका एक्स और वाई जो है उसका मान निकालना, किसका मान निकालना, एक्स और वाई का। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं। ये क्वेश्चन आप अगर आप देख लीजिएगा पूरा, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, नहीं फंसेंगे, बहुत ईजी है क्वेश्चन, तो आपके सामने आ गया होगा, देख रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हम भी एक डायग्राम बना लेते हैं, आप चाहे तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि माध्यिका बाबू यहाँ पे दिया गया और एक्स वाई निकालना, ना ही माध्य है ना ही बहुलक है, तो माध्यिका के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है, CF जिसको कहते हैं, वो भी हम लोग निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो पहले दिया हुआ आपका वर्ग अंतर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपका दिया गया क्या यहाँ पे, वर्ग अंतराल मालूम है, वर्ग अंतराल कितना है देख सकते हैं आप, उसके बाद आपको बारंबारता मालूम है, वर्ग अंतराल कितना से कितना है, बोला गया 0 से 10 है, फिर बोला गया 10 से 20, ये आपका 50 से 60 तक चलाएगा, 10 से 20, फिर बोला गया 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर बोला गया 50 से 60, ठीक है ना। फिर यहाँ बारंबारता में दिया गया, इसमें आपका 5 है, इसमें यहाँ पर x दिया गया है, ये आपका 20 है, ये आपका 15 है, ये आपका y है, ये आपका 5 है, ठीक है ना। आप जान लीजिएगा यहाँ पे जो बारंबारता होता है उसको हम लोग f से इंडिकेट करते हैं, ये इसमें माध्यिका में इसको हम लोग n बाई 2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, n बाई 2। तो ये n का वैल्यू दिया गया, कितना दिया हुआ देखिएगा, n का वैल्यू मालूम जो है वो दिया गया आपके क्वेश्चन, देखिएगा तो n का वैल्यू दिख रहा होगा कितना, 60, कितना डिग्री है, कितना सॉरी कितना ये 60, यानी कि जब आप x और y का मान निकाल लीजिएगा ना, x और y का मान निकाल के फिर इसको पूरा को जोड़िएगा तो कितना पड़ेगा, 60 पूरे ना चाहिए, ठीक है 60। अभी जोड़िएगा तो आपका नहीं होगा, जोड़ेगा अभी तो हो जाएगा 40 5 45, कितना पूरा जाए 45 पूरा, आपका प्लस में x रह जाएगा, प्लस में y रह जाएगा, तो ये आपका टोटल का जोड़ कितना हो चाहिए, 60 होना चाहिए। चलिए हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, ठीक है। तो कहा था CF कहते हैं, CF कहते हैं ना संचयी बारंबारता, कल निकाले थे हम, देखिएगा बहुत इजी होता है संचयी बारंबारता, जो पहला बारंबारता होता उसको नोट कर लीजिए, तो पहला कितना आपका 5, तो 5 नोट कर लीजिए, क्लियर है, यानी कि 5 और यहाँ कुछ आता 5 को ऐड किए कुछ नहीं तो 5 हो गया। अब x को 5 में ऐड कीजिएगा तो कितना होगा आपका, ये जाएगा आपका x प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ऐड कर दिए। अब फिर ये जो आपका 20 उसको इसमें ऐड कीजिएगा मतलब जोड़िएगा तो 20 और 5 कितना होगा आपका 25, यानी कि x प्लस कितना होगा आपका 25 हो जाएगा, जोड़ रहा है, ठीक है। इसको ऊपर में कुछ नहीं होता उसे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ेंगे, तिरछा तिरछी जोड़ेंगे आपका पूरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 को इससे जोड़िएगा
तो एक्स का एक्स हो जाएगा प्लस 25 और 15 कितना होगा आपका 40 होता है, 40 हो जाएगा ना, 40 क्लियर है इतना, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब वाई को इसके साथ जोड़िएगा तो एक्स प्लस में 40 और प्लस में क्या आपका वाई हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस में वाई या प्लस में 40 लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा कर रही हो वैसे लिख सकते हैं। आखिर में ये प्लस में लगा, लेकिन प्लस ही लगना चाहिए। इसमें किसको जोड़ेगा, फाइव को, तो लिखिएगा आपका एक्स का एक्स प्लस, देखिए चार चार पांच को 40 से जोड़ेगा हो जाएगा 45 और प्लस में कितना आपका है वाई, तो वाई कितना हो गया। तो हम यहाँ से संचयी बारंबारता निकाल लिया। संचयी बारंबारता क्यों निकालते हैं, चूंकि एक फॉर्मूला में सी एफ आता है, सी एफ मतलब संचयी बारंबारता होती है, सी एफ जिसको कैपिटल एफ भी कहते हैं, इतना वर्क करना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे ये एन का वैल्यू है आपका कितना 60, एन बाई टू अगर कीजिएगा, क्या कीजिएगा एन बाई टू कीजिएगा, यानी एन के वैल्यू को आधा किया कितना आएगा आपका ये 30 हो जाएगा, होगा ना, पूरा एन 60 तो आधा एन कितना, तो कहेंगे 30। देखिएगा एन बाई टू का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये एन बाई टू का क्या मतलब हुआ आधा एन कितना आ गया 30, क्रॉस गुना कीजिएगा ना, तो ये एन का वैल्यू कितना आएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे संचयी सॉरी ये बारंबारता का जो जोड़ आया है योग वो कितना उत्साह आया है, और उसमें एन बाई टू कर दिया कितना 30। अब देखिए 30 से ठीक बड़ी, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, देखिए तो यहाँ पे 5 है, 5 है, 25 प्लस में एक्स लगा 40 है, दिखा रहा है आपको यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 30 की बात हो रही है, माध्यिका कितना दिया हुआ है, तो माध्यिका आप देख सकते हैं माध्यिका कितना आपका, तो माध्यिका नहीं लिखा है 28.5 है क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा 20 से 25 वाला अंतराल, क्या दिख रहा है आपको 20 से 25 वाला अंतराल, क्योंकि 30 से बड़ी बोला है ना, 30 से बड़ी, तो देखिएगा यहाँ पे ये 25 है, कितना आपका 25 है, और 25 है तो एक्स का वैल्यू भी कुछ होगा, ठीक है, ऐड कीजिए तो क्या होगा आपका 25 30 से ज्यादा हो जाएगा। और इसका एक और लॉजिक था, हम आपको बताए थे कि सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है उसी को देखिएगा, सबसे बड़ी बारंबारता का आपका देख सकते हैं 5 20 15 5 कितना 20 है। तो हम लोग इस पंक्ति को यूज करने वाले हैं, किसको करने वाले यूज, इसको करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसको यूज कीजिएगा, सबका वैल्यू लिखिए, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं माध्यिका हमें मालूम है, लिख लेते हैं माध्यक, माध्यक मालूम है हमें 28.5, क्वेश्चन में था इतना दिया हुआ, ठीक है। एल का वैल्यू बताइए कितना होगा, इस अंतराल में वर्ग अंतराल का आपका 20 से 30 ना, तो एल का वैल्यू कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे स्मॉल एफ निकालिएगा, तो स्मॉल कितना होगा आप एफ आपका 20 हो जाएगा, 20 लिख लेते हैं। अब सी एफ निकालिएगा, सी सी एफ निकालिएगा, अगर यहाँ लिख लेते हैं ठीक है, सी एफ निकालिएगा तो सी एफ का जो वैल्यू होगा वो संचयी बारंबारता जो बहुलक वर्ग आता है उसके ऊपर वाले, ऊपर में कितना आपका एक्स प्लस में 5 है, तो एक्स प्लस में क्या आएगा आपका 5, चूंकि सर हम आपको बताए थे पिछली बार है ना, वो ये खुद नहीं चढ़ता गाड़ी पे, ऊपर वाले को चढ़ा देता है, ठीक है, सिर्फ इसमें आएगा और इसमें आएगा। अब आपका बच रहा क्या आपका, तो एन बाई टू भी बच रहा है ना, एन बाई टू, एन बाई टू का वैल्यू कितना आया देख सकते हैं, एन बाई टू का वैल्यू कितना आया 30 आया, और आपको आपका बच गया एच, एच का वैल्यू कितना आएगा, दोनों का सबका अंतराल कितने का 10 का, इतने मान इसमें होते हैं माध्यिका में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एन बाई टू फॉर्मूला याद रहेगा, एल प्लस एन बाई टू, एन बाई टू छूट गया तो नीचे लिख दिए, माइनस सी एफ होता है बटा स्मॉल एफ गुना में एच होता है, माध्यिका का फॉर्मूला लगाते हैं मान निकाल लेते हैं, देखिए इसीलिए माध्यक बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा में स्मॉल एफ इंटू में होता है आपका एच, ये कितना है माध्यिका का वैल्यू देख सकते हैं 28.5 है ना, क्योंकि हमें निकालना किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू भी निकालेंगे हम और वाई का वैल्यू भी निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सिर्फ पूरा समझ में आएगा, जो क्लास में अभी आए होंगे देखिएगा यहाँ से भी आपको भी पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग कल भी माध्यिका निकाले हैं, माध्यिका का ही तर्ज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ का निकालना है माध्यिका मालूम है, निकालना है हमें एक्स और वाई का मान, ठीक है, क्लास को लाइक सब लोग कर देंगे, ठीक है। एल का वैल्यू कितना देख सकते हैं 20 या 20 लिख देंगे, प्लस एन बाई टू कितना 30 है 30 लिख दीजिए, माइनस सी एफ कितना, सी एफ आपका एक्स माइनस 5 है, देखिए एक्स प्लस में 5 है, अपॉन स्मॉल एफ कितना है 20 है, आइए हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना।
टेन टू जा 20 ऐसे काट सकते हैं आप 10 से, 10 दुना 20 कट गया वो दो बार में। अब देखिए इसको मत काटिएगा क्योंकि प्लस में है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं आपका, तो यहां से हम कर देते हैं 28.5 बराबर 20 प्लस। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो दिमाग लग जाएगा। देखिए 30 यहाँ प्लस में है, ये वाले माइनस है, जैसे दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, अब माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में 5 होगा ना यहाँ पे, चूंकि ये माइनस से गुना होगा माइनस में 5 हो जाएगा, जिस कारण से ये 30 में से ये 5 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 25 बच जाएगा प्लस में, अब माइनस में बचेगा 1, अब बटा कितना आपका 2। क्लियर हो गया, कैसे आ गया समझ में आ गया? ये वाला माइनस है, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका माइनस, तो 30 में से 5 घट कितना हो गया आपका 25, ये माइनस में 1 कट गया, दो बार में 2 आ गया नीचे में। अब क्या कीजिएगा, तो आप इसके बटा में कुछ कर सकते हैं 1, कितना कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, और उस कर देंगे भिन्न का जोड़ और या घटाव। देखिए तो 28.5 बराबर एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, तो हो जाएगा 40 माइनस में, सॉरी प्लस में, यहां पे प्लस है, जैसे रहेगा वो वैसे हो जाएगा क्योंकि इससे कट जाएगा है ना। अब कर लेते हैं इसको कोना का नहीं गुना, इधर कर लेते हैं आपस में जोड़, हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए 40 प्लस में 25, इसको इसको इस पर कर लेते हैं, तो 40 और 25 कितना होगा, तो 40 25 होता है 65, 65 लिख लेते हैं यहाँ पे 65। अब माइनस में कितना आपका है 1, इक्वल में सारे 28 को 2 से गुना कीजिएगा, तो 28 दुना जो होता है वो होता है 56, रहता है 56 आधा आधा पूरा लेके हो जाएगा आपका 57। इसको इससे गुना कीजिए तो आएगा 57.0, यानी कि 570 पे एक जीरो आएगा। अब यहां से निकालना किसका वैल्यू, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, 65 कर देंगे बराबर के, उस पर जगह मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा कर देते हैं इसको साफ, ठीक है। और इसको याद रखिएगा ये कितना आया, 60 आया सबको जोड़ने पर, ठीक है। कितना था 5 20, कितना होता 25, 45, 5 45, कितना आया था 45 एक्स प्लस वाई, याद रखिएगा ये क्या होगा आपको वैल्यू, इसको जोड़िएगा, हम अपने साथ जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 5 25 25 हो जाएगा ना, 5 20 25, ये जगह 25 15 40 और 5 45, 45 प्लस में एक्स वाई, चूंकि एक्स भी प्लस में है वाई जो ये करेंगे हम भी ऐसे ही, इसको कर देते हैं यहाँ से साफ, ठीक है। यानी तो यहाँ पे देख लीजिए ना, अभी हम यहीं पर इतने दूर में बना देंगे ताकि वो क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से 65 को भेज दीजिए उस पर, इस और बच जाएगा माइनस में एक्स, इक्वल में आपका 57 पहले से है, ये हो जाएगा माइनस में 65 क्योंकि बाद में किया, तो माइनस एक से बराबर में हो जाएगा आपका 57 से 65 लगेगा, तो हो जाएगा आपका कितना माइनस में 8, कितना हो जाएगा माइनस में 8, इससे कट जाएगा, तो आपका जो निकल के आया वो एक से बराबर आया आपका 8, कितना निकल के आया 8 निकल के आया। अब बच गया आपको वाई का मान, तो आप मौखिक रूप से भी निकाल सकते हैं, देखिए इस सबको जोड़ने में 45 आया था, 45 में से ये आ गया आपका 8, तो गया कितना आपका 53, 45 8 53, लाना कितना हमें 60, इसका मतलब है कि ये आएगा कितना 7 आएगा, 7 आएगा, है कि नहीं है, क्योंकि सबको जोड़ने पर आना चाहिए 60, एक्स के वैल्यू आ गया 8, तो हो गया 45, इधर पहले से 45 था तो 45 और ये 8 कितना हो गया आपका 53, कितना बच रहा 7 बच रहा है, वो हो जाएगा वाई का, लेकिन हमें निकाल के दिखाना है, ठीक है। चलिए हम निकाल के कैसे दिखाएंगे, चलिए इसको भी कर देते हैं ऐसा साफ, आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी काम हो गया होगा है ना। तो इसको हम लोग कर दिए साफ, आप यहां से बना देते हैं आपको वाई का, ठीक है। फिर लिखते देखिए, फिर आप जब बारंबारता को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई बराबर कितना होगा आपका 60, है ना। बारंबारता में अंकों को जोड़ने पर 45 आएगा, और एक्स को जोड़ेंगे और वाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल आपका 60, जो कि नीचे दिख रहा था है ना। देखिए 45 का 45 प्लस एक्स का वैल्यू 8 प्लस वाई, जैसे अभी हम किए हैं, अभी मौके कैसे नहीं किए थे हम, उनको जो ये कितना होगा आपका 53 प्लस में वाई इक्वल में 60, वाई का वैल्यू निकालिएगा तो 60 माइनस में 53, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 7, ये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, आखिर में आंसर कर देंगे यहाँ पे। ये आपको समझना पड़ेगा कैसे आया, जो भी आपका बारंबारता था उसको अंक को जोड़िएगा तो आपका आएगा 45, और उसके जोड़ में आपको एक्स भी रहेगा और आपका वाई भी रहेगा, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 60 आएगा, जो कि दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए आप आखिर में इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 8 y बराबर 7 कर लीजिएगा इसको इस तरह से।
क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, कैसे बनेगा, एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना, माध्यिका निकालने आता है लेकिन एक्स वाई निकालना, तो घबराना नहीं है। देखिए बहुत इजी से बन गया आपका क्वेश्चन, है ना, बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी से आपका आंसर भी आ गया। क्लियर इतना? चलिए क्लियर है तो कर लीजिए इसको आप स्क्रीनशॉट, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको बता सकेंगे, ठीक है। चलिए तो हो गया, इसको हम कर देते हैं साफ। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जल्दी से आप लोग बता देंगे। हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, कितना समझ में आया आपको, सब लोग एक्टिव कम से कम यहाँ समझिए सीखिए, ठीक है, और आप बताते रहेंगे हमें कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, गुना उना रहेगा मेरे साथ, गुना भी करते रहेंगे, ठीक है, जोड़ घटा आप भी सॉल्व करते रहेंगे, हम तो सॉल्व करते ही है, बिल्कुल आसान लगेगा मैथ, ठीक है, और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खूब मजा भी आएगा स्टडी करने में, ठीक है, क्योंकि जब मैथ समझ में आने लगती है बाबू, बहुत मजा आता है मैथ बनाने में, ठीक है, हर टाइम मैथ ही बनाने का मन करेगा, इस ये है आपका मैथ अगर समझ में आ गया तो, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्ट आता है उसमें मैथ बनाने में, ठीक है, खूब मजा आता है, आप लोग को भी खूब मजा आता होगा मैथ बनाने में, ठीक है। चलिए तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले जो लाइक नहीं किए हैं क्लास को, लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में आप बताइएगा जरूर हमें आखिर में कि आपको क्लास कैसा लगा, और यहाँ पे तो बताते ही है, जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रत्येक दिन, ठीक है, किसी ना किसी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का समझे तो ऐसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी ना किसी का क्लास होगा, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, कहता है एक एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिस धावकों, इस तरह से दिया गया भाषा, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, मिला जुला के अंतिम में कहता है हमें कि इसका निकालिए आप माध्यक, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, बिल्कुल हम परिकलित करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे इसका जो क्वेश्चन होगा ना, थोड़ा अलग ढंग से दिया गया वर्ग अंतर, कहता है 20 से कम उम्र वाले बच्चे, उसके बाद बोला गया 25 से कम, 30 से कम, 40 से कम, देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है सब क्वेश्चन इस तरह से है, बिल्कुल है, घबराइएगा नहीं कि कैसे बनेगा, कम आ गया ज्यादा, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप यहाँ देखिए, कोई भी स्टूडेंट देखेगा समझेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्टिव रहेगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास में हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो नहीं देखिएगा, जो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जो ध्यान नहीं लगाइएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्लियर है इतना, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो भी होंगे क्लास में शामिल, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं रिपीट। 3 नंबर है, देखिए दिया गया 20 से कम, क्या 20 से कम, मान लेते हैं, देखिएगा 20 से कम, अगला का बोला 25 से कम, उसका बोला 30 से कम, मतलब 5 के अंतर आपको दिख रहा है ना, तो 20 से कम है तो उसको हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 15 से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए पहले दिया आपका आयु, ठीक है, लिख देते हैं आयु, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कहेगा हाँ सर बहुत आसान था, ठीक है, पॉलिस धावकों की संख्या लिखा हुआ ना, लिख देते हैं हम डायरेक्ट संख्या, कम जगह में मेरा एडजस्ट हो जाएगा एफ, ये आपका जगह संचयी 12 बार था, संचयी 12 बार था, समझ जाएगा आप लोग, समझदार है, देखिएगा यहाँ पे तो कर देते हैं उसको 15 से कितना 20 कर देते हैं, क्योंकि बोला गया 20 से कम, फिर बोला गया था 25 से कम, ठीक है, ये थोड़ा सा सुस्ताने को कह रहा है, बोला खट लिए हम ज्यादा, थोड़ा सा हमको आराम से आराम दे दिया उस मार्कर को, चलिए देखिए उसके क्या बोला 25 से कम, तो चलिए 20 से 25 कर देते हैं, देखिये तो 25 से कम है लेकिन नहीं है, फिर बोला गया आपको 30 से कम, देखिए 25 से 30, 30 से कम है ना, 30 से कम, इसलिए 30 से 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 से कम, 60 तक पहुंचना है, 35 से कितना आपका 40 हो जाएगा, 40 से आपका कितना जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सॉरी 40 से हो जाएगा आपका 45, 40 से 45, ये आपका 45 से 50, 50 से 55, 55 से ठीक है इतना, 11 अंक यहाँ भी होगा, 11 अंक यहाँ भी है, ठीक है। अब चलिए संचयी 12 मात्रा को लिख लेते हैं, ये आपका 2 है, ध्यान से देख लीजिएगा, 6 है, 24 है,
और आपका कितना है? 45। 45 है, सामने सामने थोड़ा लिखेंगे तो ठीक रहेगा। 45 है, उसके बाद इसका हो जाएगा 45 का कितना होगा? 78 है, इसमें आपका हो जाएगा 89, है ना। और 45 से 50 में हो जाएगा आपका, एक मिनट, 26, है ना, 26, 24, उसके बाद क्या आपका 24। एक मिनट, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो है ना आपका, ये जो वैल्यू होगा वो संचयी बारंबारता हो जाएगी। इसे संचयी बारंबारता हो जाएगी कि जब भी बाबू बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रहेगा वो संचयी बारंबारता होता है। तो हम थोड़ा सा चेंजिंग करने वाले हैं, संख्या ही लिखेंगे यहाँ पे, या कर देते हैं सी एफ। क्या कर देते हैं? सी एफ। और यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको बारंबारता, यानी कि एफ, चूंकि देखिए तो बढ़ते क्रम में है इसीलिए संचयी बारंबारता ही होगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना था, 89 है, उसके बाद आपका 92 है, उसके बाद 98 है, और उसका दिया हुआ 100, ठीक है। इतना देख सकते हैं, जब भी वर्ग अंतराल के बाद, वर्ग अंतराल के बाद जो संख्या होती है वहां पे क्लियर नहीं कहता, कभी 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 कहा जाता क्लियर। इससे पहले वाला सवाल में कहा था क्लियर था कि बारंबारता लिखा हुआ था, यहाँ पे बारंबारता लिखा हुआ क्या? यहाँ पे बारंबारता लिखा हुआ नहीं है, देख सकते हैं संख्या था। और ये बढ़ते क्रम में है, बढ़ते हुआ चला गया। संचयी बारंबारता हमेशा या तो बढ़ता हुआ जाएगा या तो हमेशा घटता हुआ जाएगा, आगे पीछे नहीं करेगा। तो ये आपका संचयी बारंबारता कहलाएगी। चलिए तो हम लोग बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो माइनस करके निकालेंगे, घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? देखिए, दो के ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो होगा, तो दो का दो लिख दीजिए। अगर कीजिए, चार में से दो को घटा दीजिए तो कितना होगा आपका, सॉरी, छह में से दो, ये वाला छह में से इसको घटाएंगे कितना होगा आपका, चार होगा। क्योंकि ये जब जुड़ता है तो ऐसे ही बढ़ते जाता है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आप 24 में से किसको घटा देंगे, छह को, तो कितना होगा आपका, 18 हो जाएगा, यानी कि 18। आप 25 में से किसको घटाएंगे, 24 में घटाएंगे, कब है, जब संचयी बारंबारता मालूम हो। अब बारंबारता नहीं मालूम हो तब हम लोग घटा के निकालेंगे। अब बारंबारता तो संचयी बारंबारता निकालना है, जोड़ते हैं, है ना, सबको पता है ये इसका मान, है ना। घटाए तो 5 में से 4 जाएगा 1, 3 2 में से 4 में से 2 जाएगा 2, 21 हो जाएगा ये। अब इसको निकालिए तो 8 में से 5 जाएगा 3, है ना, और 7 में से 4 जाएगा कितना जाएगा आपका, यहाँ पे 3 बचेगा 33। घटाइए यहाँ पे 8 में से 9 जाएगा कितना जाएगा आपका, 1, और 8 ये हो जाएगा आपका 11। या घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, 0 3 लिख सकते हैं, या 3 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 6 बच जाएगा, 0 6 लिख दीजिए। आइए घटेगा तो कितना देगा, 0 2, यानी कि 2 बचेगा। क्लियर इतना? तो आपको बारंबारता समझ में आ गया होगा। देखिए बारंबारता कोई भी बढ़ते घटते क्रम में है, आगे पीछे किया हुआ। क्लियर इतना? 2 4 18 21 33, है ना, 11 3 6 2, आगे आपका बारंबारता। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे एन का वैल्यू मालूम करेंगे। तो एन का वैल्यू इसको आप ऐड कीजिएगा ना, आपको पता संचयी बारंबारता में जो आखिरी में आता है ना वही इसको जोड़ने पे आता है ना, पता है सबको। जगह तो नीचे में होगा नहीं, नहीं ना, जगह है हमको तो दिख रहा है नहीं कि जगह है कि नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम इधर करके लिख देते हैं, एन बराबर कितना, 100 आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा, और एन बाई टू कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 50। आप इसको ऐड करके जोड़ के देख लीजिए, 100 ही आएगा, क्योंकि संचयी बारंबारता का जो अंतिम अंक आता है बारंबारता को जोड़ने पे आपका वही अंक आता है, क्योंकि सबको जोड़ जोड़ के निकालेंगे तो अंतिम में यही पहुंचेंगे। चलिए आप वैल्यू देखते हैं, एन बाई टू का वैल्यू कितना है, 50। 50 यानी कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता का सीरीज है ना, हाँ आपको दिख रहा होगा, मिल गया होगा, कहाँ मिल गया, देखे तो 78 दिख रहा है, ये वाला 50। 50 कहाँ से आया, एन बाई टू का वैल्यू, एन बाई टू से ठीक बड़ी जो अंक होगी संचयी बारंबारता कौन होगा, 45 होगा, नहीं होगा चूंकि छोटा, 78 होगा। अब चलिए इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बात कीजिएगा तो एल का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें छोटा कौन है, वाला गणित आ गया 35, 35। एफ का वैल्यू कौन होगा, 38 नहीं होगा, एफ मतलब बारंबारता किसका, 35 है, 33। सी एफ की बात कीजिएगा संचयी बारंबारता में, तो ये नहीं होता है, इसके ऊपर वाला होता है, ठीक है। संचयी जो आपकी बारंबारता आ रही है, ठीक, उसके ऊपर वाला वर्ग, यानी कि 45 हो जाएगा, सी एफ का वैल्यू 45 हो गया। क्लियर इतना? और आपका बस एन बाई टू दिख ही रहा है, 50 है,
बच गया आपका एच का वैल्यू, वो कितना देखे तो 5 का आंसर कितना 5 है एच। और कुछ नहीं होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ एम, ठीक है इतना इतना बन जाएगा आपका। तो आप लोग इसका जल्दी जल्दी बनाइए और आंसर हमें बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ फंसाने के लिए काम कर दिया था, संचयी बारंबारता दे दिया था, ध्यान दीजिएगा बढ़ते क्रम में रहे, फटाक से तेजी से आप सब बारंबारता निकाल लेंगे। कैसे निकलता, माइनस कर देते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले से, ठीक है यहाँ लिख लेंगे एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा जोड़ लीजिएगा, नहीं दिक्कत है तो 100 आएगा, एन बाई टू 50, 50 से ठीक वही संचय बढ़ता 78, वर्गंता लिख दिए। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए जल्दी फास्ट में। इसीलिए माध्यक बराबर, जब तक हम भी निकाल लेते हैं माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आ गया होगा है ना। तो इसका जो माध्यक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट है ना, सॉरी सी एफ बटा में स्मॉल एफ गुना में एच। इसमें अभी भी ध्यान नहीं आया, चलिए ठीक है किसी से काम चला देते हैं, ठीक है दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा ये था इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला सबको याद भी है। चलिए मान डाल देते हैं एल का वैल्यू कितना 35 प्लस एन बाई टू कितना है, तो वही है आपका 50, 50 है 50 लिख दीजिए, माइनस सी एफ कितना आपका 45 है, कहाँ वाला संचय इसके ठीक ऊपर वाला ये वाला 45, ठीक है अपॉन या स्मॉल एफ कितना 33, ये वाला आपका 33 और गुना में कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है चूंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी आ रही है सबकी 5 की। अब देखिए ये अलग है, इतना आपका अलग गुना बटा में ये गुना में, इतना का वर्क आपको पहले करना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एल का वैल्यू आखिर में जो भी आएगा उसमें जुड़ जाएगा, उसके साथ कुछ करेगा नहीं, ठीक है बहुत चालाक होता है एल, ठीक है जो सत्ता में होता है उसके साथ जुड़ जाता है और सरकार बना लेता है, ठीक है बहुत है यहाँ पे क्या है एल बहुत चालाक। चलिए तो चला के तो हम लोग आखिर में से जोड़ देंगे, देखिए 35 का 35 और यहाँ पे क्या करेंगे 50 में से 45 को माइनस किया बचेगा 5, आप बट्टा में कितना आपका 35 और गुना में कितना आपका 5, ये कटने वाला है नहीं क्योंकि ये दोनों 5 आपका क्या ऊपर ऊपर 5 का आपका ऊपर ऊपर है। देखिए यहाँ पे 35 प्लस 5 को 5 से गुना कर दीजिए कितना होगा आपका 25, कितना होगा आपका 25 अपॉन 33, ये 25 हो गया। अब देखिए 35 का 35 प्लस आप क्या कीजिए 25 में 33 से भाग कर दीजिए, 25 में 33 से भाग कीजिएगा जल्दी से कीजिए, तो भाग 25 में 33 से कितना आएगा जल्दी से भाग कीजिए 25 में 33 से और बताइए कि इसका भागफल कितना आएगा, ठीक है बहुत अच्छा 0.76 कितना आएगा आपका भाग करके 0.76 आएगा। अब इसको आप ऐड कीजिएगा ना तो ये दशमलव के पहले दशमलव तो है नहीं, 35.76 यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि माध्यिका कितना निकल गया आपका वो 35.76। अब पता लगता है कि इसको निकालेगा ना वो आयु में निकालेगा, तो लिख देंगे वर्ष, क्या लिख देंगे वर्ष लिख देंगे, चूंकि इस सब में भी क्या आपका आयु की बात हो रही है तो यहाँ पे हम अंतिम में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वर्ष लिख सकते हैं चूंकि बोला गया था माध्यिका वर्ष निकालना है तो हम यहाँ पे माध्यिका वर्ष निकाल देंगे ना 35.76। क्लियर होगा इतना, बिल्कुल ईजी है सबका क्लियर होगा, ठीक है तो आप हमें जल्दी से बताएं कि आपको आपको समझ में आ गया सबको, ठीक है और जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से ठीक है इतना, चलिए तो हम लोग आज जो है इतना ही सीखते हैं क्योंकि टाइम में आपका लगभग लगभग होने वाला है, तो जो क्लास को लाइक नहीं किया होगा क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो नहीं आए होंगे आपके दोस्त उस दोस्त को जो है इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे हर क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं फिलहाल आखिर में, यानी कि आखिर ही टाइम है तो आप उसको होमवर्क टाइप पे जिसको आप बना के हमें कॉमेंट में जरूर बताएंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन देंगे, इसको कर देते हैं हम यहाँ से रफ ताकि क्लियर हो जाएगा आपका, और बहुत ही इजी क्वेश्चन देंगे, ऐसा इजी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपका मिनटों में बन जाएगा, क्योंकि ये डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, नॉर्मल जो संख्याओं से जुड़ा हुआ जो माध्य माध्यिका बहुलक परिसर पूछा जाता है वो वाला क्वेश्चन भी हम देने वाले हैं जो कि सब लोग
आप इसका आंसर या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बना के बता सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो आप हमें सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर लिख देते हैं बड़े अक्षरों में क्या आपका होमवर्क, ठीक है। आप वर्क कीजिए घर पे भी कुछ, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें पहला क्वेश्चन लिखेगा, आंकड़ा रहेगा या संख्या रहेगा, संख्या दिया गया आपका 4 6 0 4 6, बहुत ही सिंपल है। बोला गया क्या, बहुलक निकालना, क्या निकालना, बहुलक, इसको भी कर देते हैं साफ, ठीक है, इसको भी कर देते हैं पूरा क्लियर। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, यानी कि मोड निकालना है। कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी रहते हैं, उनका ये वेलकम है सीबीएसई बोर्ड वाले का, तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से बताएंगे ताकि उनको भी क्लियर हो जाए। क्या निकालना है, बाबू, बहुलक यानी कि मोड निकालना है, निकाल लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको देते हैं, संख्या दिया जाएगा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा इतना का, आप हमें परिसर क्या निकालना है, परिसर, और निकालना है आपको माध्यक, क्या निकालना है, माध्यक। क्वेश्चन ध्यान में रख के, माइंड में रख के फिर बनाएंगे किस क्वेश्चन में क्या बोला गया। आप अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 5 9 3 और आप लिख लीजिए 10, का निकाल लीजिएगा माध, का निकालना है माध, यानी कि निकाल लीजिएगा मीन, माध्यिका को मीडियन कहते हैं, ठीक है, माध निकाले, क्लियर इतना। और इतने ही क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, 5 में दे देते हैं, माध्यक बराबर 8 और माध्य बराबर है आपका 3, कितना 3, तो बहुलक बताना है क्या होगा, यानी कि कोई भी आंकड़ा है, कोई भी आंकड़ा है, नंबर है, जिसका माध्यक 8 है और उसका उसी का माध्य कितना आपका 3 है, तो उसी का यानी उसी आंकड़ा का बहुलक क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में या आप हमें पेपर सेंड जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।